हाउ टू डिज़ाइन विजटिंग कार्ड इन एम एस वर्ल्ड असलम गाइस हाउ आई यू स्वीट गाइस अगर आप फोटोशॉप एडाप एलस्ट्रेटर यानी एडवांस और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना नहीं जानते आप विजटिंग कार्ड यानी बिजनेस कार्ड लोगो वगैरह अगर डिज़ाइन नहीं कर सकते तो आज हम बहुत ही आम और बहुत ही मशहूर जो सॉफ्टवेयर है हमारा एम एस इसके अंदर विजिटिंग कार्ड बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की प्रोफेशनल स्किल्स सीख सकें तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ओके फ्रेंड्स एम एस वर्ड टू ज़ीरो ज़ीरो सेवन हमारे सामने ओपन है तो हम इंसर्ट की के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स में से हम एक रेक्टेंगल यहाँ से ड्रा कर देंगे तो गाइज़ ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रा कर दिया सबसे पहले हम इसका फिल कलर ख़त्म करते हैं जो इसके अंदर ब्लू कलर है इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इस शेप फिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें नो फिल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका फिल कलर ख़त्म हो जाएगा अब गाइस हमने इस विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन डिसाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए तो ऊपर वाला हमारे पास हाइट है और नीचे वाली विड्थ है तो गाइस यहाँ पे जो विजिटिंग कार्ड की हाइट है वो हम रखेंगे टू इंचेस और इसकी विड्थ हम रखेंगे थ्री पॉइंट फाइव यानी साढ़े तीन इंच और एंटर कर देंगे तो ये गाइस हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज बन गया समाइम्स मुमकिन है कि आपके पास अगर आप विड्थ चेंज करते हैं तो हाइट भी चेंज हो जाती है और अगर आप हाइट चेंज करते हैं तो विड्थ भी चेंज हो जाती है तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे ये यह छोटा सा जो कॉर्नर में डार्ट लगा हुआ है हेरोसा इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास ये लॉक एस्पेक्ट रेशो अगर ये टिक किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दीजिए देखें अगर मैंने इसको टिक किया और ओके कर दिया अब अगर हम सपोज दैट यहाँ पे हाइट को थ्री करते हैं तो आप देखिएगा हमारी विड्थ भी साथ में चेंज होगी ऑटोमेटिक तो अब हमें टू करना है तो हमारी हाइट और विड्थ दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े इस वजह से आप इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से इस लॉक को ख़त्म कर दें अनचेक कर दें और ओके okay कर दें तो गाइस हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज रेडी है अब हमने इसके ऊपर एक और शेप ड्रा करनी है तो शेप ड्रा करने के लिए गाइस हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं इसी साइज़ का जितना कि हमारे पास ऑलरेडी है और इसको हम इस तरह करके इसके ऊपर ड्रा कर देते हैं तो अब गाइस हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे इस शेप को तो एडिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ये आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट्स इस पर क्लिक करेंगे तो जब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके शेप के इस चारों कॉर्नर्स पे छोटे छोटे ब्लैक से डॉट रेक्टेंगल से शो हो जाएंगे तो गाइस अब हमने इस शेप को थोड़ा सा स्लोप देना है तो स्लोप देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से इस नोड से इस कॉर्नर से हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरफ़ ले आएंगे और ऊपर वाले इस रेक्टेंगल से इस पॉट से हम इसको इस तरह थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे तो ये करने के बाद गाइस हम यहाँ पे स्केप का बटन प्रेस कर देते हैं और ये हमारी शेप रेडी होगी यहाँ पे स्लोप बन गया तो गाइस इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे शेप आउटलाइन ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से हम क्लिक करेंगे नो no आउटलाइन कर देंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी इसमें कलर फिल करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे और कोई एक कलर फिल कर देंगे तो गाइस हमारे पास एक शेप रेडी हो गई अब मज़ीद हम एक और रेक्टेंगल यहाँ से ड्रा करते हैं और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे हम इस तरह करके बना देते हैं ड्रा कर देते हैं इसके आउटलाइन को ऑफ़ करने के लिए अब की बार हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इस पेन पे क्लिक करेंगे इसकी आउटलाइन ऑफ हो जाएगी इसका कलर हम यहाँ से जाके चेंज कर लेते हैं गाइस तो हम ये कलर दे देते हैं इसको थोड़ा सा हम विड्थ में ज़्यादा कर लेते हैं तो ओके गाइस हम यहाँ से भी मुख्तलफ़ कलर्स कलर्स स्कीम यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम चाहें तो ये वाला कलर स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह करके ओके गाइस तो अब हम क्या करते हैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं और इस तरह करके छोटा सा इसको ड्रैग करके छोटा सा हमने एक वर्टिकल सा शेप बना दिया इसकी आउटलाइन ऑफ कर दी और यहाँ स्टाइल्स में से हम जाके ये वाला स्टाइल ले लेते हैं और इसको ड्रा करके हम इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हैं और इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं ओके okay गाइस तो नेक्स्ट गाइस एक और शेप लेते हैं और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर देते हैं इस तरह करके और यहाँ से आउटलाइन ऑफ करेंगे और ये जो हमने स्टाइल लिया है ये स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये हमारा स्टाइल आ गया और इसको हम एडिट करेंगे इस शेप को एडिट करेंगे तो एडिट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट्स और यहाँ से हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करें डिलीट पॉइंट कर दें या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा ओके गाइस अब हम क्या करते हैं इसकेप का बटन प्रेस करते हैं और राइट क्लिक करते हैं सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये सबसे पीछे चला जाएगा लेकिन हमें एक स्टेप पीछे लेके जाना है यानी इस शेप के पीछे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये एक दफ़ा सेंड बैकवर्ड करने से एक्चुअली इस शेप के नीचे गया है तो ये शेप्स एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली पड़ी होती हैं जैसे लेयर्स की तरह तो एक दफ़ा हम इसको और सेंड टू बैक करते हैं सेंट टू बैकवर्ड तो आप देख सकते हैं कि हमारी शेप बैक जा चुकी है अब हम इसको इस तरह करके ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं इसके कॉर्नर्स को और इसको एक दफ़ा और बैक लेके जाते हैं इस ब्लू रेक्टेंगल के या शेप के पीछे तो सेंट टू बैकवर्ड तो ये गाइस हमारी शेप बैक में जा चुकी है ओके तो अब हम यहाँ पे कोई नाम वग़ैरह ऐड कर सकते हैं तो नाम ऐड करने के लिए हमारे पास इंसर्ट में जाके हम यहाँ से चाहें तो वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं कंपनी का वो हम लिखेंगे और इसको रिसाइज कर सकते हैं तो रिसाइज करने के लिए होम मेन्यू में ये स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा और कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे तो कैपिटल होता जाएगा तो अब हम इसको ड्रैग करके सॉरी अंडू करते हैं तो इस शेप को हम ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं या फिर आप कीज़ की मदद से भी इसको मूव कर सकते हैं तो ये गाइस हमने अगर हम इसको कोई सिंगल कलर देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको क्लियर फार्मेटिंग करेंगे तो इसकी फार्मेटिंग क्लियर होगी ये एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया और इस टेक्स्ट को अगर आप चाहें तो इस शेप के अंदर भी लिख सकते हैं सपोज दैट हम इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करके हम करते हैं ऐड टेक्स्ट तो ये देखिए हमारा कर्सर इस शेप के अंदर आ गया अब हम कंट्रोल वी कर देते हैं पेस्ट करने के लिए तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से बड़े एक साथ इसको इस तरह कैपिटल सॉरी एनलार्ज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटर कर सकते हैं तो गाइस ये हो गया हमारा स्टाइल थोड़ा सा इसका कलर अगर हम ये कर देते हैं और इस शेप का भी अगर हम ये कर देते हैं तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा ओके गाइस तो अब हम यहाँ पे अपने कोई कंटेक्ट्स वगैरह डाल देते हैं सपोज़ दैट ई मेल और इसी तरह हम व्हाट्सएप तो गाइस इस तरह करके हम मुख्तलिफ जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं डालने के बाद कंट्रोल ए करते हैं तो ये इस रेक्टेंगल के अंदर इस बॉक्स के अंदर जितना भी टैक्स है सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल वन करें तो ये सिंगल लाइन हो जाएगा जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पे आके कर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लाइन हो जाएगा अभी देखें ये इन के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ये देखें रिमूव आफ्टर स्पेस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टैक्स साथ साथ हो जाएगा अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख देते हैं और आप आसानी के साथ इस टैक्स को यहाँ से बोल्ड वगैरह कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके आप इसका कलर वाइट कर सकते हैं तो ये गाइस हमने कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी और अगर हम इसको थोड़ा सा रिसाइज़ करना चाहें तो रिसाइज़ कर लेते हैं सपोज दैट हम साइज़ इसका टेक्स्ट का थोड़ा छोटा कर देते हैं तो कम अज़ कम आठ या नौ होना चाहिए तो हम इस शेप को थोड़ा सा राइट right साइड की तरफ मूव कर देते हैं इस शेप को भी हम थोड़ा सा रीसाइज करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी यहाँ पे स्पेस बन जाए इस शेप को भी हम ड्रैग करके थोड़ा इधर कर देते हैं और इनको मूव करके यहाँ पे सट कर देते हैं इस शेप को तो ये गाइस हमारे पास एक सैम्पल तैयार है और बाकी हम यहाँ पे कुछ टेक्सट और डालते हैं तो इस टेक्स को मज़ीद कॉपी करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस के साथ ड्रैग करके आप इसको यहाँ पे रखें तो एक्चुअली हमारा टैक्स का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम है इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसका कलर ऑटोमेटिक कर देते हैं या फिर आप ये वाला कलर चूज़ कर लें तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेन हेडिंग में सर्विसेस डबल डॉट और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर और मार्किटिंग तो जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ऑटोमेटिक कर देते हैं और इन्हीं को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सिंबल्स में सॉरी बुलेट्स में और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा बुलेट अप्लाई हो गया अब अगर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो हम इसको कैसे सेट करेंगे ये नीचे वाला जो हमारा स्लाइडर है लेफ़्ट इंडेंट वाला इसको हम प्रेस करके ड्रैग करके लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह करके ये हमारा जो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे भी स्पेस कम करना चाहते हैं जैसा कि ये बुलेट और इसके दरमियान में स्पेस है टेक्स्ट के तो आप यहाँ से कर सकते हैं जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने से ये देखें एक यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट टैब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे देखें जो एल शेप आपको नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे यही होना चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाते हैं तो आप इसको लेफ़्ट टैब सेट कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये करीब हो जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोबारा से इसके ऊपर आप यहाँ पर जो आपको डॉट नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा अब लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करें बजाय इसके कि हम यहाँ पे बार बार क्लिक करें तो आप F4 करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लास्ट कमांड अप्लाई हो जाएगी नीचे क्लिक करें F4 करें तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा ओके गाइज हम इसको थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज कर देते हैं चलें ये कलर सेम ही रहने देते हैं कोई बात नहीं तो अब यहाँ पे हम एक लोगो भी डाल सकते हैं तो लोगो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं पिक्चर और हमारे पास यहाँ पे <coughs> सॉरी लोगो पड़ा हुआ है हम वो वाला लोगो इंसर्ट कर लेते हैं तो ये मैंने इंसर्ट किया अब गाइस ये देखें ये एक बहुत बड़ा लोगो हमारे पास इंसर्ट हो गया तो अब हमें इस शेप को थोड़ा इस तरह करके यहाँ से स्मॉल करेंगे ये हमने कॉर्नर से इसको स्मॉल किया और इसको मूव करके हम यहाँ पे रखना चाहते हैं लेकिन ये देखें ये मूव नहीं हो रहा तो इसको मूवेबल बनाने के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये ऑप्शन यूज़ करने के बाद हम इस लोगो को कहीं भी मूव करके रख सकते हैं आसानी के साथ तो ये मूवेबल यानी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट हमारा बन गया जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो थोड़े से रेड अंडर लाइन नज़र आ रहे हैं हमें इनको राइट right क्लिक करके इग्नोर ऑल कर देते हैं इसको भी इग्नोर करते हैं और इसको भी इग्नोर कर देते हैं तो गाइज़ मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम करता हूँ आप ज़ूम यहाँ से कर सकते हैं प्लस के बटन पे क्लिक करके या इस स्लाइडर की मदद से राइट साइड की तरफ मूव करके आप इसको जूम कर सकते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने एम एस में एक ख़ूबसूरत सा विज़िटिंग कार्ड रेडी कर लिया है तो उम्मीद है गाइस के आपने काफ़ी अच्छी स्किल सीखी होंगी और आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे आपको ये प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद